तो आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद। इसमें हम मुख्य रूप से 1857 की क्रांति और उसके बाद जनता के साथ क्या क्या हुआ, किस प्रकार ने जनता बगावत किया और इनके बगावत में कौन कौन से लोगों ने हिस्सेदारी दिखाई, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें बात करना है आज इस चैप्टर में। हम नए सिलेबस के अनुसार आप सभी को बताने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये चैप्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 चैप्टर 5 हिस्ट्री नोट्स और चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है और 1857 के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है नीतियां और लोग। देखिए नीतियां का मतलब होता है नियम और इससे जुड़े लोग के बारे में इसमें हम बात करेंगे। 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, मतलब जिसमें सिपाहियों ने अपना विद्रोह किया और मंगल पांडे का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम कहने का मतलब है भारत की आजादी के लिए जो जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है उसमें सबसे पहला लड़ाई हमारा सिपाही विद्रोह को ही माना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह पहला संघर्ष था, इससे पहले आज तक कोई भी लड़ाइयां नहीं हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा का समर्थन मिला, मतलब जनता ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया, भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, और जो देश का एक बड़े भूभाग में फैला था। ये जो सिपाही विद्रोह था ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह का विद्रोह नहीं था, ये पूरे भारत देश में अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोगों ने इसमें जमकर हिस्सा लिया, जिसके कारण लोगों का रोष इतना बढ़ चुका था कि मौका आने पर लोगों ने अंग्रेजी राज की नींव हिला डाली। लोग इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे, इतना ज्यादा इसको समर्थन प्राप्त था इस आंदोलन को कि लोग ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। नींव मतलब उनके पूरे सल्तनत को हिला दिया, उनके सिस्टम को हिला दिया। तो ये नीति और लोग के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हम देखते हैं कि कंपनी का पलटवार। जब भी मैं इस चैप्टर में आपको कंपनी बोलूंगा तो आपको समझना है मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था, तो ये वही कंपनी है जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए खोला गया था, और बाद में यही कंपनी जो है वो पूरे भारत देश पे अपना हुकूमत जमा लिया था और 200 सालों तक राज भी किया था। देखिए कंपनी के पलटवार की अगर बात करें तो 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। 1857 में दिल्ली को दोबारा अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया और अंतिम मुगल बादशाह जो थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, इन पर मुकदमा भी चलाया गया, इन पर केस किया गया, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई, हमेशा जेल में रहने की सजा दे दी गई, और मार्च 1858 में लखनऊ के जगह पर, भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी है लखनऊ, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। लखनऊ भी कहां चला गया, अंग्रेज के कब्जे में, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, हार हो गई यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की, उन्हें मार दिया गया, अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते रहे। देखिए यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की मौत हुई, अंतिम मुगल बादशाह को आजीवन कारावास हो गया, और साथ ही साथ मैं बता दूं इनके बेटों को भी अंग्रेजों ने मार दिया। इसके बाद जब रानी लक्ष्मीबाई की मौत हुई तो तात्या टोपे जो थे वो जंगल में रहकर छापामार युद्ध किया करते थे अंग्रेजों के साथ, और उन्हें लगातार शिकस्त देते रहे। तो ये कंपनी के पलटवार के बारे में था। आगे की स्लाइड में हम बात करेंगे सैनिक विद्रोह, यही हमारा टॉपिक VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक ऑफिसरों के हुक्म मानने से इनकार कर देते थे। देखिए सैनिक विद्रोह में क्या होता था कि जो अंग्रेजों के सिपाही थे भारतीय, जिन भारतीयों को उन्होंने अपना सिपाही घोषित कर रखा था, सिपाही बना रखा था, उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर के हुक्म मानने से मना कर दिया। सैनिक विद्रोह को 1857 की क्रांति और गदर भी कहा जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए 1857 की क्रांति को
किस और नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इसे गदर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के पीछे सामूहिक रूप से अनेक कारण रहे, अलग अलग कारणों के कारण ही यह क्रांति हुई थी, लेकिन एक सैनिक था मंगल पांडे, उन्होंने इस पूरे संग्राम का जत्था अपने हाथ में ले लिया, उन्होंने इसे खूब हवा दी और उन्होंने इनके लिए उसको फांसी भी चढ़ा दिया गया, इसीलिए इसे सैनिक क्रांति भी कहा जाता है और सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये सैनिक विद्रोह के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अवध की रियासत। देखिए अब अवध की रियासत के बारे में भी जान लेते हैं। अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। कौन? अवध। अवध जो था वो अंग्रेजों के सबसे अंत में उसको हाथ लगा। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट थोपा गया। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और ये सबसे अंतिम राज था, अंतिम रियासत थी, अंतिम रजवाड़ा था जो अंग्रेजों के हाथ में गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे भारत में कंपनी बनाया गया था उसी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो उसके नियम क्या थे, उस किसके किन तरह के नियमों के द्वारा वो हमारे देश में शासन करता था? अंग्रेजों ने जितने भी नियम और कानून बनाए थे उससे यहाँ के राजाओं, यहाँ की रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों, इन सब पर तरह तरह से असर पड़ा। जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती थी या जो उनको भावनाओं जो ऐसे नियम जिससे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचता था उनका लोग किस तरह विरोध करते थे ये सभी भी इसमें हम जानेंगे। कंपनी के व्यापार की प्रकृति, मतलब यहाँ पे बिजनेस करने का जो नेचर था वो शुरुआती दिनों में व्यापार बहुत सीमित था। जब ये हमारे देश में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो वो बहुत छोटी सी मात्रा में ही यहाँ पे व्यापार करते थे, लेकिन कंपनी के व्यापारियों ने इंग्लैंड से भारत में सोना, रत्न, विलासिता का सामान आदि आयात किया। मतलब अपने देश से क्या करते थे, सोना लाते थे, यहाँ की रानियाँ सोना दे के खुश हो जाती थी, राजा के लिए दारू लाते थे, डांस वगैरह का प्रोग्राम रखते थे, तो राजा ये सब देख के खुश हो जाता था और दारू वारू पी के टल्ली रहता था। इस चक्कर में क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वो हमारे भारत के ऊपर धीरे धीरे अपना हुकूमत करना शुरू कर दिए। राजा को पिला उला के टल्ली करके उसको मारलाद से गद्दी से भगा दिया और उसके बाद उसके राज पे खुद से अपना शासन करने लगा। भारत से इंग्लैंड को सूती कपड़े, मसाले आदि का निर्यात किया और हमारे भारत में उस समय दुनिया का सबसे बढ़िया सूती कपड़ा, रेशम के कपड़े ये सब मिलते थे, मसाले मिलते थे, तो इन सभी को वो विदेश के बाजारों में जाकर बेचा करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये नीतियां थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधार मतलब होता है किस प्रकार से ये सुधारने की प्रतिक्रिया करते थे। देखिए अंग्रेजों को लगता था ना, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जितने भी अंग्रेज थे, गोरी चमड़ी के लोग थे, उन्हें लगता था कि भारत समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। मतलब वो हम लोगों को पागल समझते थे, बेवकूफ समझते थे, उन्हें लगता था कि भारत के लोगों को ना सुधारना बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए सती प्रथा को रोकने और सती प्रथा को हमारे देश में पहले क्या हुआ करता था ना कि जो औरत के पति मर जाते थे, अब जो औरत के पति मर जाते थे तो उनकी पत्नी को पति के साथ जिंदा ही चिता में जला दिया जाता था, तो उसे हम सती प्रथा कहते हैं। तो इसमें अंग्रेजों ने अपना योगदान दिया, अंग्रेजों ने इसे बंद करवाने की नीतियां अपनाई। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अंग्रेज जो थे वो अपने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित करते थे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों का खुलकर काम करने और यहाँ की जमीन एवं संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, इंग्लैंड के ब्रिटिश जो थे हमारे देश में, 1830 के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने इन्हें कहा कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यहाँ पे पूंजी बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, ये उनको छूट मिल गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हिंदू लोगों को, मुसलमान के लोगों को ईसाई बनाने का सोचा और ईसाई लोभ देते थे कि पैसा दूंगा, जमीन दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा, तुम लोग ईसाई धर्म अपना लो। अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, जो हमारा भारत का संस्कृति था।
जो हमारे रीति रिवाज थे उसे अंग्रेज नष्ट कर रहे थे, सत्यानाश कर रहे थे और अपने ईसाई धर्म को मानने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे ताकि उनका धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाए। मेरठ से दिल्ली तक, अब देखिए इसे भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 29 मार्च 1857 में युवा सिपाही जो थे जिनका नाम था मंगल पांडे, बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जो ये सिपाही विद्रोह के मुख्य लोगों में से एक थे मंगल पांडे, उन्हें 29 मार्च 1857 को अपने ही अंग्रेज ऑफिसर के ऊपर हमला करने के जुल्म में उन्हें फांसी पर लटका दिया। सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अब इस कारतूस के साथ अभ्यास नहीं करेंगे, इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। इसके भी कारण थे, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा गया होगा, मतलब कि अब जो ब्राह्मण थे, जो हिंदू थे, वो कैसे गाय की चमड़ी को अपने मुंह में लेते, क्योंकि उस समय का जो कारतूस हुआ करता था, जो गोली हुआ करता था, उसे दांत से खींच के उससे ना गोली निकालना पड़ता था। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें अपने अफसर का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई थी उस समय। तो ये मेरठ से दिल्ली तक का टॉपिक था, आपको हम आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नवाबों की छिनती हुई सत्ता। जो उस समय नवाब हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके हाथ से सत्ता कैसे छिनती चली गई, इसके बारे में जान लेते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही नवाबों और राजाओं की सत्ता कम होने लगी थी, उनके हाथ से सत्ता छीनने लगी थी। अब उन्हें पहले की तरह सत्ता और सम्मान नहीं मिलता था। जो सम्मान इनको पहले एक राजा के रूप में मिलता था, अब वो सम्मान इन्हें नहीं प्राप्त होता था। अंग्रेजों ने कई राजाओं के दरबार में अपने रेजिडेंट तैयार कर रखे थे, मतलब अपने सिपाही तैयार कर रखे थे, अपने ऑफिसर तैयार कर रखे थे, ताकि उनके कामकाज में वो दखल डाल सके और अपने तरह से उनके काम को कर सके। भारतीय राजाओं की आजादी कम कर दी गई थी, पहले जितनी शक्ति और आजादी भारत के राजाओं के पास थी, अब वो कम कर दी गई थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया और धीरे धीरे करके कंपनी ने उनके इलाके, राजस्व का अधिकार भी छीन लिया। उनके जितने भी अधिकार में, उनके जितने भी सामान आते थे, उन सभी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि नवाबों की सत्ता किस प्रकार से छिनती चली गई। किसान और सिपाही, तो देखिए गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे, क्योंकि उस समय जो गांव के लोग हुआ करते थे, वो गांव के लोगों को काफी परेशानी उठाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें महंगे रेट पर, इंटरेस्ट पर पैसे मिलते थे और गांव के लोग उसे चुका नहीं पाते थे। इसके एवज में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे, अपने वेतन, भत्तों और सेवाओं शर्तों से परेशान थे। उनके वेतन नहीं बढ़ाए जा रहे थे, उनकी सैलरी रोकी जा रही थी, कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो इन कारणों से सरकारी जो सिपाही थे वो भी परेशान हो रखे थे। अवध पर कब्जा, तो देखिए अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। मैंने आपको बताया है कि अवध जो है वो अंग्रेजों के हाथ में सबसे अंत में गया था, क्योंकि 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी, जिसे हम सब्सिडियरी अलायंस के नाम से जानते हैं। फिर 1856 में अवध को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया। कंपनी ने बताया कि प्रजा का जो नवाब है वो कुशासन है और उसे सही तरीके से राज नहीं संभाला जा रहा, इसीलिए अंग्रेज उसे अपने अंदर ले रहे हैं और उन्हें कुशासन से मुक्त कर रहे हैं। तो ये अवध पर कब्जा के बारे में था। इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट। आशा करता हूं कि आप सभी को क्लास 8 नोट्स हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है और 1857 के बाद के समय के बारे में था। तो यहाँ पे यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।